हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, एक 32 इंच का टीवी आप देख सकते हो और इस टीवी में प्रॉब्लम भी आपको दिख रहा होगा। क्या प्रॉब्लम है? इसमें लाइन आ रही है और एपी टाइप की बन रही है, पिक्चर बिल्कुल नहीं बन रहा है। दोस्तों, अगर आपके टीवी में भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों इसमें प्रॉब्लम है डिस्प्ले की और जिसे हम आज रिपेयर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, अच्छा जॉब पाना चाहते हैं, वो भी मैं बताऊँगा कहाँ से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। दोस्तों मैंने इसका बैक कवर को ओपन किया तो एक मदरबोर्ड लगी हुई है, यहाँ देख सकते हैं कॉम्बो, और एक टिकॉन लगी हुई है जो कि कन्वर्टर की काम करती है, और ये स्केलर पीसीबी लगी है। ठीक है, पैनल कौन सा लगा है वो भी बता दूँ। F56 का पैनल लगा है, इंटेक्स का 3263, 3264, 3213, बहुत सारे मॉडल में ये पैनल लगती है। F56 होगा, N86 होगा, ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा दोस्तों। तो ऐसा पैनल है तो आप ईजिली रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम चेक करेंगे वोल्टेज को, जो 12 वोल्ट होता है VGH VGL, आपको चेक करके हम दिखा देते हैं। और आपको मैं बता दूं, आप वोल्टेज पे ध्यान देना, और आपको मैं बता दूं कि आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो एक नंबर शो हो रहा होगा डिस्प्ले पे, उस नंबर पे ओनली फॉर व्हाट्सअप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि कितना पैसा लगेगा ट्रेनिंग का। यहाँ से आपको जॉब भी सिक्योर मिल जाएगा। जैसे कि आप एक महीना डेढ़ महीने की ट्रेनिंग करते हैं, वीकली ट्रेनिंग होता है, और आप ट्रेनिंग करते हैं तो उसके बाद आपको ईजिली वही जॉब आपको लगा देंगे। तो आप अगर फ्रेशर हैं, अगर रिपेयर करना सीखना चाहते हैं तो आप यहां से सीख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ऑल टू ऑल वोल्टेज चेक करा दूं। तो टोटल वोल्टेज आप देख रहे हैं यहां पे, मैंने VDD VGH VGL सारा वोल्टेज दिखा रहा हूं, तो सारे वोल्टेज सही बन रहे हैं दोस्तों। इसके अंदर टिकॉन बिल्कुल ओके है दोस्तों। यहाँ पर ABDD वोल्टेज भी मैं आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पर देख सकते 16 वोल्ट सही बन रहा है। तो इसमें टिकॉन बोर्ड बिल्कुल ओके है, प्रॉब्लम पैनल के अंदर है। तो पैनल को हम कैसे सही करेंगे, तो पहले मैं FFC को चेक कर लूँगा, क्योंकि बहुत सारा मैं टीवी खोलता हूँ तो FFC ही ख़राब निकल जाता है। तो FFC को पहले मैं इसको मैं ओपन करके चेक कर लूँगा कि इस पर क्या नाम है, FFC तो कोई रस्टेड नहीं है, ख़राब तो नहीं है, तो अच्छी तरह से चेक करना है हमें। FFC बिल्कुल ओके दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा रस्टेड दिख रहा है, तो मैं इस FFC को चेंज ही करने में बेनिफिट है। और मैं एक बार और बता दूं, अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं, फ्रेशर हैं, आपको जॉब चाहिए, क्या नाम है, इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन में अच्छा पैसा कमाना है, तो डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे इंक्वायरी कर लीजिए। अगर नोएडा और दिल्ली में आप रहते हैं तो आपको वीकली ट्रेनिंग दे दिया जाएगा, जो चार्ज होगा आपको व्हाट्सअप पर रिप्लाई करके बता दिया जाएगा दोस्तों। तो मैं नया FFC ले आया हूँ दोस्तों, अब ये FFC को मैं इसमें इंस्टॉल करूँगा और उसके बाद मैं देखूँगा कि पिक्चर सही हुआ या नहीं हुआ। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, लास्ट तक ज़रूर वीडियो को देखना। और मैं आपको बता दूं कि क्या नाम है, आपको ट्रेनिंग बहुत अच्छी तरह से दे दी जाएगी, जॉब की गारंटी भी इन्हीं के पास है, यही आपको जॉब भी लगवाएंगे, सब चीज़ यहीं से मिल जाएगा दोस्तों। आपको ये नहीं कि ट्रेनिंग करके आप भटकते रहोगे, ऐसा कुछ नहीं है, आपको तुरंत 18 से 15 से 20 हज़ार की जॉब मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, ये तो गारंटी है इस चैनल की। उसके बाद मैंने FFC लगा दिया, एक बार और टीवी को मैं ऑन करके देख लूँ कि मेरा पिक्चर सही आया हुआ या नहीं हुआ। तो अभी भी सेम प्रॉब्लम है दोस्तों, देख सकते हैं डिस्प्ले बिल्कुल नहीं आ रही है। थोड़ी देर चलने के बाद इसमें धीरे धीरे लाइन आना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब धीरे धीरे देख सकते हो लाइन बढ़ना स्टार्ट हो गया, और जैसा प्रॉब्लम शुरू में आ रही थी वैसा हो जाएगा इसके अंदर थोड़ी देर में दोस्तों। तो अब हमें वोल्टेज जो चेक करना है वो कहाँ पर करना है ये बता रहा हूँ। अब मैं सबसे पहले वोल्टेज जो चेक करूँगा, यहाँ पर VGL लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, जो विजुअल पॉइंट है इस पार, जो वहाँ भी दिखाया, यहाँ 7 वोल्ट VGL का बिल्कुल ओके बन रही है। उसके बाद यहाँ पे 3.3 बननी चाहिए, तो यहाँ पे भी 3.3 बिल्कुल ओके बन रहा है दोस्तों। मैं डिस्प्ले दिखा दूँ, 3.3 वोल्ट बिल्कुल ओके चल रही है, और 16 वोल्ट AVDD वोल्टेज जो है 16 वोल्ट वो भी बिल्कुल ओके आ रहा है यहाँ पर। अब जो वोल्टेज बची, अब वो वोल्टेज बची यहाँ पर, तो यहाँ पर एक VGH देख लीजिए, VGH भी सही है, बिल्कुल ओके VGH वोल्टेज आ रहा है, और HTV वोल्टेज 7 वोल्ट भी बिल्कुल ओके बन रही है। अब आ जाते हैं इस साइड, तो यहाँ पे बननी चाहिए दोस्तों 11 वोल्ट, 10 वोल्ट से 11 वोल्ट की लमसम में बननी चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे बन रही है 7 वोल्ट दोनों पॉइंट पे, ये दोनों प्रिंट है, यहाँ पे बननी चाहिए वोल्टेज जो मैंने बताया आपको 11 वोल्ट की लमसम में बनेगी, जो कि यहाँ पर बन रहा है 7 वोल्ट। तो हमें डाउट है दोनों IC पे, जो मैं दिखा दूं, एक वो बगल वाली IC है इस पर, और एक इस IC पे, और डाउट है तो मैं IC को चेंज करके देखूंगा। अगर पिक्चर ओके हो जाएगी तब भी ठीक है, नहीं होगी तो आगे का फॉल्ट दिखाऊंगा। तो एक IC को मैं पहले चेंज करता हूं, इस वाली IC को मैं चेंज कर लेता हूं पहले। और पैनल में अधिकतर ख़राब निकलती है AP प्रॉब्लम में, तो आप इसको पहले चेंज करके देख सकते हो। तो मैं बने रहिए, हम आपको चेंज करते हुए दिखाऊँगा आज, क्योंकि मैं सिंगल मोबाइल पकड़ता हूँ, सिंगल ही रिपेयर करता हूँ, तो थोड़ा सा मुझे कट करना पड़ता था, लेकिन अभी मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरा दिखाने का IC चेंज करते वक्त का।
तो दोस्तों ट्रेनिंग के लिए नंबर दिया गया है, इस पर ट्रेनिंग कर सकते हैं आप। प्लीज़ एक बार इंक्वायरी कीजिए, रेट पूछिए, जो रेट होगा सर्टिफिकेट भी मिल जाएगी आपको, और दूसरे कंपनी में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें जॉब लगा दिया जाएगा। ये कंपनी की गारंटी होती है जो जॉब लगाने का। आप ट्रेनिंग में पास हो जाते हैं, आप आयरन चलाना सीख जाते हैं, मीटर चलाना सीख जाते हैं, रिपेयरिंग करना सीख जाते हैं, तो आपको जॉब दे दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने आईसी को ओपन कर दिया, आप दूसरा आईसी यहाँ पर लगाता हूँ, इसका जो प्लस माइनस वो चेक कर लूँगा और उसके बाद इसमें हम इसको इंस्टॉल कर देंगे। ट्रेनिंग पे एक वीडियो बनाया जाएगा अच्छी तरीके से, जहाँ से आपको अच्छी तरह से मैं बताऊँगा कि कैसे ट्रेनिंग कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो सारा मैं बता दूँगा। तो वहाँ से भी आप अपना देख के बता देना कि हाँ सही है या नहीं है। अब मैं आईसी को इसमें इनबिल्ट कर देता हूँ, मैं लगा देता हूँ आईसी को इसमें। तो मेरी आईसी लग चुकी है दोस्तों, यहाँ पे आईसी इसमें लग गई, ठीक है दोस्तों। अब मैं टीवी को ऑन करूँगा और वोल्टेज चेक करूँगा कि वोल्टेज 11 वोल्ट बनी या नहीं बनी, ठीक है। तो आईसी लग गई है यहाँ पे, अब हम टीवी का वोल्टेज को चेक करेंगे। तो यहाँ पे वोल्टेज चेक करना है हमें, तो देख सकते हो मीटर पे 11 वोल्ट एकदम बिल्कुल ओके बन चुकी है दोनों पॉइंट पे। अब मैं पिक्चर दिखा दूँ आपको, पिक्चर बन रहा है कैसा है नहीं है, और दोनों वोल्टेज मैंने आपको दिखा दिया, दोनों प्रिंट पे वोल्टेज 11 वोल्ट बन चुकी है जहाँ पे बन रही थी 7 वोल्ट, और इस आईसी को चेंज करने से हमारा वोल्टेज सही हो गया है। तो पिक्चर भी दोस्तों बन गया होगा, लेकिन जब पिक्चर बनती है इसमें दोस्तों, तो जब ये चेंज करोगे तो एबनॉर्मल पिक्चर जैसी बनेगी, क्योंकि छप जाती है, जो पिक्चर पहले से चलती रहती है वो पिक्चर इसमें छप जाती है। तो अभी इसमें मैं जैसे उठाऊंगा तो इसमें छपा हुआ आपको दिखेगा, देखिए छपा हुआ, लेकिन इसको आधा से एक घंटा चलाओगे तो बिल्कुल ओके हो जाएगी। ये बहुत सारा प्रॉब्लम छपने का आता है, ठीक है, और आपको आधा से एक घंटा इसको चलाना है रेगुलरली, और उसके बाद ऑटोमेटिक ये पिक्चर सेटल हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम थी ना पहले वाली वो पिक्चर छप जाती है दोस्तों। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों।